नेक्स्ट मिर्जा अहमद बेग जी। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अपने रियासत की सेकंड लैंग्वेज उर्दू है और उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होते जा रही है साहब। आज आप देखिए आरटीसी बस के ऊपर जो बोर्ड लगे हुआ रहता है वो बोर्ड के ऊपर उर्दू में नहीं आ रहा है। रही दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रेस नोट दिया जाता है वो प्रेस नोट भी आजकल इंग्लिश में दिया जा रहा है, पहले उर्दू में दिया जाता था। और मिनारेटी में उर्दू अमल नहीं हो रहा है। और एक एक चीज़ साहब, जीएचएमसी में कई जगह हुकूमत ये मार्केट्स बनाई जा रही है, वेजिटेबल मार्केट, और कई जगह कमिटी हाल बनाए जा रहे हैं और कई जगह ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, इसमें उर्दू का बोर्ड नहीं है चेयरमैन साहब। और एक एक चीज़ भी मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, हाल ही में हुकूमत की तरफ से जो पटन चोरू में एक बहुत बड़ी मार्केट की बिल्डिंग बनाई गई, उसमें भी उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की गई, वहाँ पर भी उर्दू में बोर्ड नहीं है। और एक एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर मोहतरम मुकाम आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जो शहर हैदराबाद के मेन सिटी में जो अनीसुल गुरबा बनाया गया है बहुत काबिले कबूल है। मैं इस मौके के ऊपर कई सालों से जो जस्तजू करे, नुमाइंदगी करे कायदे मुखनिना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैं उनका भी ये ऐवान के ज़रिए से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बताने का मकसद यही है साहब कि उर्दू में जो माजी में जिस तरीके से जो सेकंड लैंग्वेज को अहमियत दी जाती थी वैसी अहमियत देने से बहुत अच्छा होगा। मैं तवक्कु रखता हूँ चेयरमैन साहब आपके ज़रिए से हुकूमत इसके ऊपर अमल करेगी, क्योंकि कई लोग उर्दू पढ़ते हैं, जब वो आरटीसी बस में जाना चाहते हैं तो उर्दू में लिखे हुआ नहीं है, तो ऐसे कई दफातर है, दफातर में भी कई बोर्डा उर्दू में लिखे हुए नहीं है। इसके ऊपर मैं आपके ज़रिए से हमारे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं हर एक बात भी मिनिस्टर साहब के आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आरएनबी मिनिस्टर है जो अंबरपेट के जो ब्रिज का काम चल रहा है साहब, कई सालों से वो काम पेंडिंग में है और वहाँ पर भी जल्द से जल्द काम करने से बहुत बेहतर होगा। अंबरपेट से जो रामंदापुर रोड जाती है वो रोड को बंद किया गया है ब्रिज की वजह से, वहाँ पर आवाम को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करवाने से बहुत बेहतर रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जो हमारा ऑनरेबल मेंबर साहब बोले जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज हुआ जो आप बोल रहे हैं आरटीसी बसों में और जो मसले उठाए उसके ऊपर ज़रूर हम गवर्नमेंट के नॉलेज में लाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इश्यू बोले अमरपेट का ब्रिज का भी, परसों मैं रिव्यू कर रहा, 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट करने के वास्ते डे नाइट वर्क चल रहा है। वो हमारा नेशनल लेवल आरएनबी मेरा डिपार्टमेंट है, 3 महीने के अंदर वो पब्लिक में रह रहे, वो ओपन कर रहे ब्रिज भी।